गुड मॉर्निंग एवरी वन. सो टुडे इज़ योर फर्स्ट एग्जाम एंड इट इज़ फॉर ड्राइंग टुडे. इन योर स्कीम इट इज़ मेंशन दैट क्राफ्ट इज़ देयर बट द मार्क्स ऑफ क्राफ्ट वुड बी गिवन ऑन द परफॉर्मेंस बेसिस. द परफॉर्मेंस यू हैव शोन टिल नाउ, राइट? इन हाउ मैनी क्राफ्ट एक्टिविटीज़ यू पार्टिसिपेटेड एंड वट kind of interest you showed, like that, right? So before your drawing, let us discuss these instructions given on your envelope or your file, right? So let's study the instructions given here. Number one, open the exam sheet subject wise on the dates given in exam scheme. तो जब आप ये पैकेट खोलोगे अपना फाइल या आपका एनवेलप, तो हर एग्जाम का जो शीट है, एग्ज़ाम पेपर है, वो सैंपल किया हुआ है और उस पर लिखा भी है बाहर की तरफ कि कौन सी डेट को है. वो जो एग्ज़ाम स्कीम आपके पास ऑलरेडी है उसके अकॉर्डिंग ही वो मेंशन है, राइट? तो आपको उसी डेट में उसको ओपन करना है और टाइम उसका नोट करना है. सपोज़ आप 10 या 11 ओ क्लॉक लेके बैठ रहे हो तो आपको वो टाइम भी नोट करना है और फिर उसको खोल के पेपर को करना है, राइट? नंबर टू, इंश्योर दैट द स्टूडेंट शुड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस. सारे क्वेश्चन देखने हैं. इनिशियली गिव 1 hour to कंप्लीट द पेपर. पहला आपको ट्राई करना है विद इन 1 hour में आप कर लो, क्योंकि बहुत छोटे छोटे इजी पेपर्स हैं और सारे प्रैक्टिसेस आपने करी हुई हैं. बट इफ़ इट इज़ नॉट कम्प्लीटेड इन 1 hour, अगर फिर भी आपको टाइम लगे तो give more time until the paper is completed. आप और टाइम ले लो, कंटिन्यूस लो, मगर ऐसे नहीं कि उठ के कुछ और करने लग गए, है ना? और पेपर को कंप्लीट करो. नंबर थ्री, हेल्प द स्टूडेंट ओनली इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस. ये पेरेंट्स के लिए है, बता सकते हैं कि क्या करना है लेकिन आंसर नहीं बता सकते, एग्जाम्पल भी नहीं बता सकते, ठीक है? डू नॉट टेल और गिव हिंट्स टू द स्टूडेंट. Do not hold hands while writing. Parents को हाथ भी नहीं पकड़ना है, ठीक है? ऐसे ही मान के चलना है कि स्कूल में होते तो कैसे एग्जाम देते. नंबर फोर पॉइंट, कीप द आंसर शीट फ्रेश, डोंट लेट इट बी टॉर्न और डर्टी. है ना, इसको अच्छे से रखना है आंसर शीट को, इसको ख़राब नहीं होने देना. और पेपर करने के बाद वापस फोल्ड करके उसको एनवेलप में रख देना है. इन ड्राइंग एग्जाम यूज़ क्रेयन्स फॉर कलरिंग. आज का जो ड्राइंग का एग्जाम है उसमें कलर कौन से आप यूज़ करोगे? क्रेयन कलर यूज़ करोगे. और UKG स्टूडेंट्स जो आगे आने वाले एग्जाम हैं वो कर्सिव में ही लिखेंगे, है ना? अब ओरल एग्जाम्स की बात कर लेते हैं. नंबर सेवन पॉइंट, आपके पास क्या होगा? व्हाट्सएप आएगा. वी विल व्हाट्सएप यू द क्वेश्चंस फॉर ओरल एग्जाम्स एवरी मॉर्निंग एट 10 o'clock. जिस भी दिन ओरल होगा, जैसे कल है ना GK, तो 10 o'clock के आसपास आपके पास आ जाएंगे ओरल के क्वेश्चंस. एंड यू विल व्हाट्सएप अ स्मॉल वीडियो ऑफ द स्टूडेंट गिविंग आंसर्स इन फॉर्मल वे विद इन 1 hour ऑफ दिस ऑन दिस नंबर. नंबर है 8476002489. और वो क्लास के ग्रुप में नहीं भेजना है, वो बस इस नंबर पे ही भेजना है, ठीक है? छोटा सा वीडियो उन आंसर्स का तैयार करके. और जो आपने टाइम नोट करा था, वो जो नीचे टेबल बनी हुई है ना कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ड्राइंग, इनमें कितना कितना टाइम लिया, अगर विद इन 1 hour कर लिया तो उसमें टिक करेंगे, 2 hours में करा तो उसमें टिक करेंगे, और मोर देन 2 hours लिए तो उस दर वाले कॉलम में टिक करेंगे, ठीक है? और ये सब जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे तो आप हमको इसमें डेट दिए संडे 31st October, राइट? तो संडे को आप हमको दे देंगे, राइट? इसी टाइम में. GK UKG का है केवल रिटन जो होता है ना, लास्ट जो रो बनी हुई है, तो बस वो उनके लिए. तो मुझे लगता नहीं कोई और डाउट होगा, कोई हो तो कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं ग्रुप पर.
or best of luck for your exam today, or drawing का जैसे आज आप खोलेंगे तो उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है, पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन दिए हुए होते हैं ना, ये बनाइए या ये बनाइए, फिर दूसरे क्वेश्चन में फिर से होता है ये ड्रॉ कीजिए या ये ड्रॉ कीजिए, तो उनको केयरफुली पढ़ के फिर ड्रॉ करना है। कई बार बच्चे छोड़ देते हैं कि हमने तो ये कर लिया, ऑप्शन में था, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अपने जीके क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।